मैं डॉक्टर दर्शनपाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से देश के किसानों व आम जनता को ये बता रहा हूँ कि एक तरफ हमारे काफ़ी नेता जहाँ असम और बंगाल में वहाँ इलेक्शन हो रही है उसमें बीजेपी को पनिश करने का एक नारा लेके गए हुए हैं, उसी समय दूसरी तरफ हम बॉर्डर्स के ऊपर अपने अपने प्रोग्राम कर रहे हैं। इन प्रोग्रामों के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने जो तय किया है, जो फैसला किया है, मैं पूरे देश के लोगों से ये शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो अनाउंस किए गए प्रोग्राम है उन प्रोग्रामों को कामयाबी के साथ करें। उदाहरण के रूप में कल 15 तारीख को पूरे देश में देश की 10 ट्रेड यूनियन के साथ संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये कॉल दी गई है कि हम पूरे देश में कॉरपोरेट और प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ दिवस ऑब्जर्व करेंगे और इसमें दो तरह के प्रोग्राम करेंगे। एक, मजदूरों के साथ मिलके स्टेशनों के ऊपर हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ प्रोग्राम करेंगे और दूसरा पूरे देश में सब जगह एसडीएम और डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए लोगों ने, किसानों ने और आम जनता ने मिलके प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक डिमांड चार्टर देना है जिसमें डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें जो बढ़ी है उनको वापस लेना, 3 कानून वापस लेना और निजीकरण और कॉरपोरेट की नीतियों को वापस लेने का मांग उठाई गई है, वो सब जगह हमने आपको भेज दिया है। उसके बाद 17 तारीख को दिल्ली में एक संगठनों की बैठक है जो सिंघू बॉर्डर के ऊपर ही होगी। सब संगठनों को दिल्ली के और इर्द गिर्द के अपील करता हूँ कि आप 12 बजे तक सिंघू बॉर्डर के ऊपर आ जाइए ताजो 23 मार्च और ख़ास करके 26 मार्च को बंद काल जो दिया गया है उसको कामयाबी के साथ इम्प्लीमेंट कर सकें। 19 तारीख को फिर पंजाब हरियाणा में मंडी और मंडी बचाओ और खेती बचाओ का नारा देते हुए मंडियों में बड़े बड़े गैदरिंग की जाएंगी और साथ ही मुजारा लहर के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 23 तारीख को पूरे देश में शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहादत दिवस जिसमें नौजवानों को काल है बड़े पैमाने के ऊपर कि वो जहां बॉर्डर्स के ऊपर बड़े पैमाने में आए, बड़ी गिनती में आए, साथ ही साथ अगर जितने आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, जो नहीं आ सकते वो अपनी अपनी जगह में इन शहीदों को श्रद्धांजलि दें। और फिर 26 को हमने पूर्ण भारत बंद की काल दी है और इस पूर्ण बंद की काल के लिए 17 तारीख को देशव्यापी पैमाने के ऊपर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और तहसील हेडक्वार्टर में भी जितने भी जन संगठन हैं वो मिलकर मीटिंग करें, तैयारी करें 23 मार्च की और 26 तारीख के संपूर्ण बंद की। और संपूर्ण बंद के लिए मैं देश की जनता को आह्वान देता हूं, संगठनों को आह्वान करता हूं संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से कि 26 तारीख को जो पूर्ण बंद हो वो अपने आप में कामयाब हो, अपने आप में एक उदाहरण हो। देश में पूरी दुकान बाज़ार बंद रहने चाहिए, रोड और रेलवे बंद रहनी चाहिए। ये बंद जो है ये सुबह से लेकर शाम तक होगा, इसलिए 26 का संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से किसानों के मुद्दों को लेकर एक बंद का कॉल है। इसकी कामयाबी के लिए तैयारी कीजिए और रोज़ जब भी इसका जितना भी प्रचार हो सकता है प्रचार कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।